फोनोलॉजिकल डिवेलपमेंट डियर स्टूडेंट्स मुझे इस मॉड्यूल में आपसे फोनोलॉजिकल डिवेलपमेंट के बारे में बात करनी है ड्यूरिंग द अर्ली स्कूल ईयर्स अ चाइल्ड कम्प्लीट द फोनीटिक इन्वेंट्री इब्तदाई सालों में स्कूल के इब्तदाई सालों में स्टूडेंट uh, जो है वो कम्प्लीट करता है फोनीटिक इन्वेंट्री बाई द एज एट प्रोड्यूस ऑल इंग्लिश स्पीच साउंडस कॉम्पिटेंसी साउंड्स इन नो लॉन्गर वर्ड्स आर ब्लेंट मे स्टिल बी डिफ़िकल्ट यानी लेकिन फिर भी अभी कुछ आवाज़ों को निकालना या उनको जोड़ना मुश्किल होगा द एक्विजिशन ऑफ साउंड्स हावर इज ओनली वन आस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड्स फोनोलॉजिकल कंपिटेंस यानी उसकी महारत का आवाज़ें पैदा करने की उसकी जो महारत का ये एक आस्पेक्ट है सो so, uh, अगर हम स्टेज़स को देखें तो स्टेज वन टू टू लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स एज रेंज टू बायर्स फिर स्टेज थ्री पे राइम अवेयरनेस औरल वर्ड प्ले एज रेंज टू टू फोर ईयर्स और स्टेज फोर पे uh, एक चाइल्ड जो है सेलेबल uh, अवेयरनेस उसको सेलेबल यानी फनीम्स की जो उसको अवेयरनेस पैदा होती है स्पोकन uh, वर्ड्स यनी फनीम्स को मिलाकर वो स्पोकन वर्ड्स बनाता है तो इसकी रेंज क्या है एज की थ्री टू फाइव ईयर्स और स्टेज फाइव है ऑनसेट ट्राइंड स्पोकन वर्ड्स इसकी एज फोर टू फाइव इसकी रेंज है और स्टेज सिक्स टू सेवन फोनेमिक अवेयरनेस स्पोकन वर्ड्स ये फोर टू सेवन ईयर्स एज में ये उसकी स्टेजेस हैं फोनेमिक फोनोलॉजिकल uh, डेवलपमेंट के हवाले से और uh, पाँच साल की एज में uh, वो सेलेबल्स को आइडेंटिफाई करता है टू फोर इयर्स ओल्ड कैन अच्छा आर फोर इयर ओल्ड एबल टू डिसाइड इफ़ अ साउंड सीक्वेंस कन्फॉर्म्स टू फोनोलाजिकल रूल्स टू इंग्लिश तो वह मतलब ये कि चार साल की एज में वो ये डिसाइड कर सकता है कि जो इंग्लिश के फोनोलॉजिकल रूल्स जो है वो उनको कंफर्म करता है या उनको मैच करते हैं और हियर शी विल रिपीट वर्ड्स दैट कंटेन पॉसिबल सीक्वेंस तो उसमें मुमकिन जो तरतीब है वो उसमें उसको वो समझने की कोशिश करते हैं इवन व्हेन वर्ड्स आर नॉट रियल अगर वर्ड्स रियल ना भी हों और बट विल मॉडिफाई अनलाफुल सीक्वेंस व्हेन रिपीटिंग दैम इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सीक्वेंस मोर लाइक इंग्लिश तो अगर वो अनलाफुल uh, वर्ड्स को जो उनमें सीक्वेंस ना होगा उसके बावजूद वो उनको करेक्ट करने के लिए रिपीट करेगा जिससे वो इंग्लिश uh, में यानी उसकी रेपिटेशन से वो वर्ड को करेक्ट करेगा उसका ऑर्डर और उसकी तरतीब सेवन ईयर ओल्ड रिप्लेस मीनिंगस वर्ड्स विद एक्चुअल वर्ड्स यानी बच्चा जब सात साल की उम्र को पहुँचता है तो वो मीनिंगस uh, वर्ड्स को एक्चुअल वर्ड्स के साथ रिप्लेस कर लेता है और दीस चेंज रिफ्लेक्ट चाइल्ड्स इनक्रीजिंग मेटा लिंग्विस्टिक स्किल्स तो उसकी ज़ुबानदानी की जो कॉम्प्लेक्स महारतें हैं ये उसके स्किल्स को ज़ाहिर करती हैं और फोनोलॉजिकल प्रोसेस में अगर हम देखें तो इसमें बहुत से इसके पार्ट्स हैं इसमें आ, अगर आप इस ट्री को देखें जो आपको नज़र आ रहा है शेप में आ, बैकिंग स्टॉपिंग रीडुप्लिकेशन एसिमिलेशन क्लस्टर रिडक्शन फ्रंटिंग और इनिशियल वाइसिंग तो ये मुख्तिक प्रोसेस है जब वो लैंग्वेज को फोनोलॉजिकल डेवलपमेंट के दौरान वो सीखता है और किसी जगह वो टोनीम्स को आ, को रिप्लेस करके या उनके जो कॉन्सोनेंट्स और वावल्स को रिप्लेस करके किसी जगह ऐड करके वो उसके मीनिंगस कम्प्लीट करता है या वो उस यानी इसकी डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस हैं ये अगर हम इसकी फोनोलॉजिकल डेवलपमेंट की समरी देखें स्कूल एज चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज फॉर्म में तो हम एज वाइज उसको हम देखते हैं फाइव इयर्स की एज में उसकी सेंटैक्स मॉर्फोलॉजी और फोनोलॉजी का उसकी क्या उसकी सिम्टम्स हैं या क्या उसकी साइंस हैं प्रोड्यूस शॉर्ट पैसिफ विद लॉस्ट लेफ्ट एंड ब्रोकन ये फाइव इयर्स की एज में है सिक्स इयर्स की एज में कॉम्प्रीहड्स पैरल वेडिंग इम्पेरेटिव कमांड्स मैन एंड ई आर सफिक्स तो इसमें क्या है वो आइडेंटिफाइज करता है फोनोलॉजी में उसकी सेलेबस को और मास्टर्स रूल्स ऑफ साउंड्स को एंड यर प्लूरलाइजेशन ये फिर भी मुश्किल होगी उसके लिए यूज मैनी प्लूरल फॉर्म्स तो इसमें इज एबल टू मैनुपलेट साउंड्स यूनिट्स टू राइम एंड प्रोड्यूस स्टेम्स तो इस तरह वो उनको मैनुपलेट करके चेंज करके यूनिट्स को चेंज करेगा राइम्स करेगा या फिर नए स्टेम्स बनाएगा इट मीन सेंटेंसेस और कॉम्प्रीह सेवन ईयर्स की एज में कॉम्प्रीह बिकॉज फॉलोज एडल्ट ऑर्डरिंग ऑफ एडजैक्टिव तो वो एडल्ट ऑर्डरिंग ऑफ एडजैक्टिव्स को वो फॉलो करेगा और इसकी जो फिनोलॉजी होगी रेकग्नाइज अनएक्प्टेबल साउंड सीक्वेंस तो वो अनएकसेप्टेबल जो साउंड सिक्वेंस है उसको रिकगनाइज कर सकेगा और एट ईयर्स की एज में यूज फुल पैसि एटी परसेंट ऑफ चिल्ड्रन में ये स्टेज होती है या वो करते हैं यूज ई आर सफिक्स टू मेक इनिशिएटर ऑफ एन एक्शन यानी टीचर और इज एबल टू जज ग्रामेटिकल करेक्टनेस सेपरेट फ्राम सीमेंटिक्स जो सीमेंटिक्स से डिफरेंट होती है तो अब इसकी फोनोलॉजी में क्या होगी यानी उसकी फोनोलॉजी को जो डेवलपमेंट होगी वो क्या है इज इज एबल टू प्रोड्यूस मेरिकन इंग्लिश साउंड एंड ब्लेंड्स तो यानी जो मुखलिफ आवाज़ों के मिलने से बनती हैं मार्फोफोनिकवेलपमेंट मार्फोफोफोनामिक डिवेलमेंट चेंजेस आर फोनोलॉजिकल आर साउंड मोडिफिकेशन ये साउंडस में तब्दीलियाँ हैंट रिजल्ट वन मारफीम्स आर रिप्लेस टूगेदर जब उनको दूसरों के साथ चेंज किया जाता है बदला जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ाइनल के इन एलेक्ट्रिसिटी चेंज टू सा इन इलेक्ट्रिसिटी और सेवरल रूल्स दीज चेंज आर लर्नड ग्रेजुअली थ्रू आउट एलिमेंट्री स्कूल जो बच्चे एलिमेंट्री स्कूलों में इस तरह के बहुत से रूल्स को सीखते हैं तो अगर आप अब, अब देखें कि फोनोलॉजिकल अवेयरनेस और उसमें फिर अल्फाबेटिक नॉलेज स्पेलिंग फोनोलॉजिकल अवेयरनेस विजुअल ऑडिट्री स्किल्स स्पीच फोनिक्स और सीमेंटिक्स और मोटर स्किल तो यही ये फोनोलॉजिकल डिवेलपमेंट के डिफरेंट आप समझ लें एलिमेंट्स हैं जो उसको सीख कर बच्चा अपनी लैंगवेज डिवेलप करता है और वो एलिमेंट्री स्कूल ईयर्स के दौरान मार्फोफोनीमिक डिवेलपमेंट में वन रूल फर्स्ट ग्रेड परटेन्स टू द रेगुलर प्लूरल एस तो रेगुलर प्लूरल एस बनाने के लिए द एज ऑफ फाइव टू सिक्स ईयरस ओल्ड हैज़ लर्न द रूल फॉर एस एंड एंड जी ता एंड जी बट नॉट फॉर यर इन ऑल केसेज यानी ये जो प्लूरल साउंड है वो जैसे प्लेयर या इस तरह की वो साउंड वो वो मुश्किल होगी उसके लिए डिवेल्प करना और इवन इन थर्ड ग्रेड नाउन्स

जो वो निकालना उनको प्रोनाउंस करना मुश्किल होता है अब स्पीच में क्या है वर्ड्स हैं ग्रैम टीम्स हैं रिटर्न सेलेबल्स हैं लेटर क्लस्टर हैं रिटन मॉर्फिम्स हैं तो जब स्पीच इन सब को मिला कर आपकी कम्प्लीट होती है इसको जब आप कोई अपने अपनी बात किसी को कन्वे करना चाहते हैं ये बात तो डिफरेंट चीज़ें ये मिलाकर आप उसको आप उसको सीख रहे होते हैं और कन्वे कर रहे होते हैं मॉर्फोफोनमिक डेवलपमेंट में ड्यूरिंग द स्कूल इयर्स अ चाइल्ड आल्सो लर्न द रूल्स फॉर वॉवेल शिफ्टिंग तो वॉवेल शिफ्टिंग के रूल्स भी वो सीखता है फॉर एग्जांपल ऑल साउंड इन डिवाइन चेंजेस टू एन अल इन डिविनिटी और अदर एग्जांपल्स आर एज़ फॉलोस क्या है एएल और ये अल डिवाइन और डिविनिटी ई एल ये भी इसका डबल uh, साउंड इसकी हो जाएगी एक्सप्लेन एक्सप्लेनेशन और आई डी ऑबसिन ऑबसिनटी तो इस तरह ये ये जो डिफरेंट साउंड्स हैं इन में भी जो तब्दीलियाँ हैं ये भी उसकी मारफोफोनिमिक uh, डेवलपमेंट पर असरानंदाज होती हैं अब आइडेंटिफाइंग मॉरफीम्स uh, फ़र्ज़ करें ये वर्ड है टूरिस्ट तो टूर विजिट पर्सन हु डज समथिंग और एस प्लूरल्स सो तो री ओपनड री अगेन और ओपन एन एक्शन वर्ड है और ई डी पास्ट तो यानी इस तरह वर्ड्स का एनालिसिस करके और वर्ड्स को मिलाकर हम अपनी जो सेंटेंसेस है या अपना मफहूम कन्वे करते हैं